स्ट्रेटजी बन जाती है, फिर कभी टर्की निकल जाते हैं, अर्तुगल बन जाते हैं, फिर कभी चाइना निकल जाते हैं, वहाँ पर यांगजी बन जाते हैं, फिर कभी जनाब रशिया निकल जाते हैं। तो मतलब हम अजीब और गरीब, मतलब इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा मुल्क, जिसमें देखिए इंडिया ने एक पोजीशन ली है। हमारे बनिस्बत इंडिया के पास जो कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कि इंडिया का एक ताल्लुक रहा है, इंडिया की हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, उसके आर्म्स, एमिनेशन, ट्रेड बहुत ज्यादा उसकी इंटरट्वाइंड है। तो मतलब आ बैल मुझे मार, तो नतीजा यह है कि अगर आप ऐसी पोजीशन लेते हैं, वाज़े नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है और मजीद पहुंचेगा। ये जो बयान है, आप मुझे बताएं, ये 24 लोगों ने जो बयान दिया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं दिया गया, इंडिया को क्यों नहीं दिया गया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं दिया यूरोपियन यूनियन ने? तो इसका मतलब यह है कि ऑल गेम्स गेम जो पक्ष, उसका एक ही तरीका है कि अपना अलर्टनेस लेवल और रेस्पॉन्स इतना बेहतर रखें कि ये वाकयात ना हो। अभी हमने पिछले चंद माह में देखा, इस्लामाबाद में एक हमला हुआ, एक लाहौर में हुआ, बलूचिस्तान में कोई 8-10 अटैक हुए जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो इमरान खान है, अब वो अमेरिका को तो टारगेट कर ही रहा था, अब वो अपने मुस्लिम देश को भी टारगेट कर रहा है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से अभी इमरान खान जो है वो उसकी कुर्सी जो है वो छीनने वाली है, इसको देखते हुए उसकी जो माइंड है उसको देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये इस प्रकार का बयान देके जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है उसको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो इमरान खान लगातार अमेरिका के बारे में हर जगह पर जाके उसको गलत बोलता है, उसका प्रभाव अब पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो अमेरिका है वो पाकिस्तान पे भी दबाव डाल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट है उसमें रख दिया, और दूसरा जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उस पर फाइन कर दिया, और कई ऐसी चीज हुई हैं जिससे आने वाले दिनों में लगता है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान की पॉलिसी रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इमरान खान की पॉलिसी है वो पूरी तरीके से फेल हुई है, और हर जगह पर इमरान खान फेल हुआ है। और पाकिस्तानी जो हैं, जो आम लोग हैं, अब आने वाले दिनों में उनको और भी बहुत कुछ झेलने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमरान खान जो हमेशा जो अमेरिका है उसको धमकी देता है, उसके बाद से जो पाकिस्तान है उस पर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपको रास्ता नहीं है कि अमेरिका को छोड़ के किसी और तरफ चला जाए। ठीक है, सही है, चले बस ये सारे उसने इंतजाम। ये जो बयान है, आप मुझे बताएं, ये 24 लोगों ने जो बयान दिया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं दिया गया, इंडिया को क्यों नहीं दिया गया, किसी और मुल्क को क्यों नहीं दिया यूरोपियन यूनियन ने? तो इसका मतलब यह है कि ऑल गेम्स गेम जो पक चुकी है। यही पाकिस्तान है ना जिसमें सब कुछ होता है। ये ईरान में मिलकर दिखाएं मुझे किसी से, ये किसी और मुल्क में मिलकर दिखाएं, इंडिया में मिलकर दिखाएं किसी। आप फिर चार मुल्कों का एक इत्तेहाद बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और इंडिया है, ये क्वाड जिसे कहते हैं वो आ गया। फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका की सिचुएशन आपके सामने ओरिया मकबूल जान साहब ने रखी है। तो चाइना के लिए जितने रास्ते बंद किए हैं उसका एक ऑल्टरनेट रूट पाकिस्तान के जरिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, एक तो चाइना वार्म वाटर्स और सुमायरा अरब और इंडियन ओशियन के इंटरनेशनल वाटर्स तक जा सकता है पाकिस्तान से, और फिर यहां से अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरेशिया जिसे हार्टलैंड कहते हैं उसकी तरफ वो बढ़ सकता है, और वो ममालिक अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से फायदा उठाते हुए वार्म वाटर तक और ग्वादर तक आ सकते हैं। इन वसाइल को हम तरस रहे हैं ऑयल एंड गैस के, वो वसाइल सिर्फ अमन के मुंतजर हैं, वो हमारे घरों तक पहुंचेंगे, हमारे मुल्क तक पहुंचेंगे और उनको आगे एक इंटरनेशनल मार्केट मिलेगी। इस सारे जो निजाम है इसको सेबोटाज करने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल कुवतें सरगर्म हैं, और इस पूरे गेम में पाकिस्तान की एक पिविटल पोजीशन, जब भी कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने वाला होता है तो इसके इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए ऐसे हमले होते हैं। वेल ये एक नैरेटिव है, हुआ होगा और होता भी है। समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ इस तरह का स्टैंड, अमेरिका के खिलाफ, नेटो, फिर इंडिया का तो खैर वो हमेशा ही नाम लिया करते हैं, वो तो एक कार्ड है ही। तो एक तो ये कि उन्होंने ये सब बातें क्यों की, और दूसरा एक सबसे अहम बात, अब ये बताइए कि क्या इसका कोई रिएक्शन आएगा या हम निकल जाएंगे आसानी से? जैसे कि आप जानती हैं कि ईयू के जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के, उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है। ये क्लियर नहीं है कि किसने किसको कॉल की है, लेकिन
इनके तर्जुमान का कहना है कि यूरोपियन सदर ने बात की, लेकिन जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने कहा है कि ये यू नो ही स्पोक ऑन हिज ओन, बट एनीवे दैट्स नॉट रेलेवेंट। तो इन्होंने जो कुछ भी बातें की वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। अच्छा, एक बात आप जरा गौर से देखिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से या और दूसरे ममालिक से जो कि एक हिस्टोरिकली रशिया या सोवियत यूनियन के साथ रहे हैं, तो कम से कम उनका किसी और पे तकिया है और उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। अगर देखिए इंडिया ने एक पोजीशन ली है तो दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि हमारे बनिस्बत इंडिया के पास जो कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और आप एक थोड़ा सा उसमें तसलसल देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी साहब के बाद कुछ चीज़ें यू नो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ, यू नो अगली बार भी ट्रंप सरकार वाले जैसे नारे लगे उनके बगल में खड़े होकर उन्होंने ये नारे लगवाए, लेकिन एक आपको फिर भी एक तसलसल नज़र आता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो उनका ताल्लुक रहा है यूएसएसआर से और फिर उसके बाद रशिया से, तो वो भी एक उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। तो अगर इंडिया एक ऐसी पोजीशन लेता है तो उसके पास, हालांकि मैं समझता हूं कि खुद इंडिया के लिए अपने लिए ये एक लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी पोजीशन नहीं है न्यूट्रल रहने की, वो ज्यादा सस्टेन कर भी नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के पास ना कोई हिस्टोरिकल तसलसल है ना कोई हिस्टोरिकल उसमें एक आपको नजर आता है कोई यूएसएसआर से या रशिया से आपके अच्छे ताल्लुक रहे हैं, ऑन द कंट्री बहुत बुरे रहे हैं, आप उनके एनिमी रहे हैं, आपने उनके खिलाफ पूरी एक जंग का साथ दिया है बहुत बड़ी और उसके नतीजे में यूएसएसआर टूटा भी, और दूसरी तरफ ये कि आपके इस वक्त भी जो है यानी आपके पास जो एक फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। तो नतीजा ये है कि अगर आप ऐसी पोजिशन लेते हैं इतनी बोल्ड पोजिशन, तो सिवाय आपके नुकसान के, क्योंकि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है इस वक्त। बहुत से आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के जो कि इनके बहुत करीब रहे हैं और जिन्होंने इनकी बड़ी तारीफ की है, मैं बल्कि उनका नाम भी लेता हूँ, कामरान खान साहब, उन्होंने बड़ा आज जो एक ट्वीट किया अपनी एक वीडियो, तो उन्होंने फिर उस बात को एक रिट्रीट किया कि पूरे का पूरा जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट रिवॉल्व अराउंड द वेस्ट Western institutions and Western markets, पूरी की पूरी, यानी बहुत ही मिनिमल कुछ आपका है, थोड़ा बहुत चाइना को एक्सपोर्ट, थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत रशिया की, जो कि एक आध 150-200-250 मिलियन से ज्यादा नहीं है। तो इस माम इसके बाद सिर्फ नतीजा यही सामने आ सकता है, मैं और आप यही नतीजा निकाल सकते हैं, जिसमें मैं अपनी नापिस समझ से ये सोच सकता हूँ कि इन्होंने वही एक पॉपुलिस्ट स्टैंड लिया है जो कि दुनिया में पहले भी लोग ले चुके हैं। और जी हम बदला लेंगे, हम पंगा लेंगे, हम जिद लगाएंगे, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमारी पुरानी मोहब्बत हमारे हाथ से निकल गई, अब हम नई मोहब्बत की तलाश में जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कभी मतलब ये है कि हुकूमत का रुझान एशिया पैसिफिक की तरफ कर देते हैं, गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बन जाती है, फिर कभी टर्की निकल जाते हैं, अर्तुगल बन जाते हैं, फिर कभी चाइना निकल जाते हैं, वहाँ पर यांग जी बन जाते हैं, फिर कभी जनाब रशिया निकल जाते हैं। तो मतलब हम अजीब और गरीब। अब पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किया है उसके बाद ये तो वाजे हो गया है, हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये अवाम पाकिस्तान को तो पता ही नहीं यूक्रेन नक्शे पे है कहाँ, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला लिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो ये तो सर ब्लॉक बनाने वाली बात कर दी। पहले बोला ब्लॉक नहीं बनाएंगे, ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे, हम रैशनली सोचेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, इंटरनेशनल मॉरल्स और एथिक्स को वॉच करेंगे। तो सर हाउ कैन वी इंडोर्स समथिंग विच इज सिमिलर टू द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो तब भी प्रीटेक्स्ट यही था, आज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है तो भी प्रीटेक्स्ट यही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मॉरल कंपस कहाँ है, क्या कहते हैं आप? मैं ग्रे लिस्ट में बैठ रहा हूँ एफएटीएफ, क्या रूस मेरी मदद कर सकता है कि मुझे ग्रे लिस्ट से निकलवा दे? और खुदा ना करे कि अगर मैं सबसे पंगा ले बैठूं तो मैं ब्लैक लिस्ट में चला जाऊं, तो फिर वो जो 8 करोड़ लेबर फोर्स है इस वक्त काम कर रही है, हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को, उनका क्या हाल हो जाएगा? कहीं वो बेरोजगार ना हो जाए? तो मेरे जहन में वो बड़ी बातें जो आपने सवाल पूछे कि रूस क्या करने वाला है, यूक्रेन में क्या होने वाला है, लेकिन जो मेरा एक नुक्ता ये था कि वो इसको
अब जब जाहिर जब बात अब जैसे यूरोपियन यूनियन के सदर से बात हुई है या जब अगर फॉरेन ऑफिस अगर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है उस गियर में, तो वो यही कहेंगे ना कि एक जलसे आम में एक सियासी तकरीर थी और ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी। तो उनके पास एक थोड़ी गुंजाइश है क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी ऑफिशियल फोरम से नहीं की थी, अपने पार्टी के जलसे से बात की थी। ये अपनी देखिए हमारी अपनी डिसग्रेस है, ये अपनी कौमी एक ह्यूमिलिएशन है कि इस यू नो इस लेवल पर लोग ये समझते हैं कि जैसे हमारे अपने लोग जो हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए, और जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और ये सारे। और यूरोपियन यूनियन का तो आपके साथ बड़ा अच्छा मामला रहा है, हैरत की बात है, कभी कोई ऐसी नेगेटिव वहाँ से बात नहीं आई डिप्लोमेटिकली, कभी वहाँ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया, कभी वहाँ से आपके खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ, उन्होंने कोई ड्रोन नहीं आपके ऊपर फेंके हैं, उन्होंने आपके साथ कोई ऐसा यू नो जो आप अमेरिका को जिस बात का इल्ज़ाम देते रहे हैं सालों से, कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो मतलब आ बैल मुझे मार और दूसरी या फिर मतलब बिला वजह एक ऐसी चीज़ जो कि वो बल्कि जो एक मशहूर शेर है क्लिशे की हद तक कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, कि भाई वो तो आपके साथ ही हैं। यूरोपियन यूनियन ने जो आपको स्टेटस दिया हुआ स्पेशल और आपकी जो प्रोडक्ट्स वहाँ जाती हैं बिलियंस में, वो आपकी बहुत बड़ी मंडी है, तो आप उसको बिला वजह वो करके अपने आप पर आपने वो किया। होमवर्क के बगैर किसी तारीखी तसलसल को समझे हुए, बगैर किसी एक कंप्रिहेंसिवली पूरे वर्ल्ड अफेयर्स को एनालाइज करते हुए उन्होंने पोजीशन ली है, और उसका वाज़े नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है और मजीद पहुंचेगा। पाकिस्तान जो है वो एक बीइंग अ वीकर कंट्री इकोनॉमिकली, ऑफ कोर्स वी आर वीकर कंट्री, वी डिपेंड सो मच ऑन द वेस्ट फॉर सो मच रिलीफ फ्रॉम द फटफ FATF IMF वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर ट्रेड है, कॉमर्स है, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी मिलिट्री हार्डवेयर है, आपके बच्चों के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। आपको मालूम होगा और आपके नाज़रीन को भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है वो सबसे बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है। मोस्ट ऑफ द फुल ब्राइट स्कॉलर्स कम फ्रॉम पाकिस्तान, एटलीस्ट यूज टू जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। तो ये तमाम जो आप फिर हमारे जो बच्चे हैं वो सब पढ़ने के लिए सारे वीजे जिनकी लाइन में लगे हैं वो अमेरिका और यूरोप के लगे हुए हैं, रशिया और चाइना के नहीं लगे हुए। अगर कोई रशिया और चाइना जा रहा भी है तो बहुत ही मजबूरी में जा रहा है, या वो जा रहा है जिसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल गया है, फ्री में जा रहे हैं वो पढ़ने। लेकिन ये तमाम जो नाते हैं, ये तमाम जो लिंक्स हैं, टाइज हैं, उनको आप बालाए ताक रख कर एक इस तरह से एक पॉपुलिस्ट स्टैंड लेते हैं और आपको मालूम है कि इट विल गो नोवेयर। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कौमें और यू नो इदारे आपसे कई गुना बड़े और कई गुना ज्यादा ताकतवर और अहम हैं,